जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हो गया पार्ट 13, जहाँ पे हम लोग डिस्कशन कंक्लूजन जो हम लोग बिब्लियोमेट्रिक रिव्यू पेपर लिख रहे थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर। और ये मैं बता देता हूँ कि भाई हम लोग स्टार्ट किए थे अप्रैल 1 तारीख को स्टार्ट किए थे एक बिब्लियोमेट्रिक रिव्यू पेपर लिखने के लिए। तो लगभग आज हो गया 8 तारीख मई महीना। तो लगभग कितना 38 डेज लगा है मुझे ये बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस को अच्छे से समझने के बाद एक तो रिसर्च पेपर मिनिमम लेवल का लिखने के लिए एक तो दिमाग में एक सेटल हो गया कि आगे जाके अगर जब भी मैं बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस का रिव्यू पेपर लिखूंगा तो वहां पे मुझे आइडिया है कि भाई क्या क्या भी करना है। तो लगभग मुझे इतना दिन लगा है समझने के लिए। जो भी ये वीडियो देखा देख रहा है तो उनको भी भाई कंग्रेचुलेशन। आपको अगर ये नॉलेज आपके अंदर आ रहा है, अगर आपको इसको इम्प्लीमेंट करके खुद का रिसर्च पेपर बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के ऊपर लिख रहे हो तो टारगेट था भाई इसको हम लोग को स्कोपस और एससीआई का जर्नल में डालने के लिए। तो हम करेंगे और दो तीन वीडियो डिस्कशन कंक्लूजन खत्म होने के बाद रेफरेंस को थोड़ा सा करेंगे और एक दो वीडियो में इस सीरीज में ऐड करूंगा। उसके बाद जाके हम लोग पब्लिश करने के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैं बता दिया कि साइटेशन एनालिसिस कैसे करना है, उसको आप चेकआउट कर सकते हो। तो आज करेंगे डिस्कशन और यहाँ पे क्या करेंगे कि कंक्लूजन लिखने के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है। तो लगभग यही हम लोग रिसर्च पेपर लिख दिया, अभी 33 पेजेस का हो गया है। लेकिन टेंशन मत लो, ये सब जो फॉन्ट फॉन्ट साइज देख रहे हो, फॉन्ट साइज कैलिवरी का 14 फॉन्ट साइज है, A4NT फॉन्ट साइज है। तो जब ये रिड्यूस हो जाएगा 12 साइज में और थोड़ा सा लाइन स्पेसिंग हो जाएगा उसी हिसाब से हम लोग उसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, और कम हो जाएगा। और बहुत फालतू चीज लिखा हुआ है, जैसे कि मैं जितना भी ChatGPT का कोड लिया था उसको मैं वहां पे लिख के रखा हूँ, जैसे कि यहाँ पे व्हाट इज ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये सब हम लोग को आगे जाके डिलीट करना पड़ेगा जब हम लोग रिसर्च पेपर सबमिट करेंगे। तो उसको छोड़ो, आगे जाके क्या करेंगे, पहले आज के दिन के ऊपर डिस्कस करते हैं डिस्कशन कंक्लूजन और यहाँ पे किस तरह का लिखेंगे। अगर आप देखोगे तो पूरा कंप्लीटली यहाँ पे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट से लेके इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, डाटा सोर्सेस एनालिसिस मेथड कैसे करना है, एनालिसिस डॉक्यूमेंट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट रिसर्च कैसे लिखना है, उसके ऊपर आज का टारगेट है कि भाई डिस्कशन कंक्लूजन किस तरह का हम रिसर्च पेपर में लिख सकते हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑथर कंट्रीब्यूशन फंडिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आप भी खुद से लिख सकते हो। तो यहाँ पे डिस्कशन कंक्लूजन लिखने के लिए हम लोग को क्या कर सकते हो, दो मेथड आप अप्रोच ले सकते हो, दो मेथड। पहला मेथड क्या होगा, पहला मेथड होगा कि भाई जो आप खुद रिसर्च पेपर में हम लोग जो डाटा एनालिसिस किए कि भाई ये ऑथर है, सब जो ऑथर है मतलब जो ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो ज्यादा से ज्यादा रिसर्च पेपर लिखा है उस ऑथर का नाम क्या है, कौन सा इंस्टीट्यूट ज्यादा से ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, ठीक है। ये वाला इन्फॉर्मेशन हम लोग को थोड़ा सी एनालिसिस में किए थे, साइटेशन एनालिसिस में हम लोग कल किए थे कि भाई कौन सा आर्टिकल ज्यादा से ज्यादा साइटेशन मिला है, कौन सा डॉक्यूमेंट ज्यादा से ज्यादा पब्लिश हुआ है, ठीक है, नंबर ऑफ साइटेशन उसको मिला है। तो ये सब चीजें हम लोग कर चुके हैं, तो वही सिर्फ सिर्फ जो चीज है डिस्कशन में आप लिख सकते हो। इस तरह का आप ChatGPT में जाके क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा वीडियो बनाने से पहले थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा था, वही चीज हम लोग करते हैं डिस्कशन में। जब भी हम नॉर्मल रिसर्च पेपर लिखते हैं ना वहां पे हम लोग वही चीज करते हैं, ठीक है, मतलब क्या क्या हम लोग को जो फाइंडिंग मिला है उसका थोड़ा सा समरी ऐड कर देना है। आप बोलोगे कि भाई ये समरी ऑफ फाइंडिंग कंक्लूजन में लिखते हैं, हाँ कंक्लूजन में लिखते हैं। अगर आपका रिसर्च पेपर में इस तरह का डायरेक्ट डिस्कशन को पॉइंट ना दे के उसके अंदर कुछ नहीं लिखना चाहते हो, डायरेक्ट कंक्लूजन में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो कंक्लूजन के अंदर मेरा जो स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं आउटलाइन बताया था आप लोगों को, तो कंक्लूजन के अंदर आप कंक्लूजन लिखोगे, लिमिटेशन फ्यूचर वर्क के ऊपर यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे दो बार रिपीट हो गया है, ठीक है। लिमिटेशन आपका रिसर्च पेपर का क्या है, फ्यूचर वर्क क्या क्या हो सकता है उसके बारे में आप क्या कर सकते हो कि लिख सकते हो। तो आपको एक तो आइडिया आपको दे देता हूँ, जो भी आप मेथड वन में अगर फॉलोअप करते हो तो जो जो रिजल्ट आपको निकला है उसका थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में आप वहां पे खुद से लिख सकते हो। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, मेथड टू में ChatGPT से यूज करके लिखेंगे, कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा। अगर मेथड वन में अगर फॉलोअप कर रहे हो तो यहाँ पे देखो क्लियरली बोला है कि अगर समरी ऑफ फाइंडिंग को आप ऐड कर सकते हो, जैसे प्रोवाइड ए कंसाइज समरी ऑफ की फाइंडिंग, फाइंडिंग मतलब जो जो हम लोग को डाटा एनालिसिस करके मिला है, मेथोडोलॉजी को यूज करके मिला है, जैसे कि टॉप ऑथर कौन है, टॉप इंस्टीट्यूट कौन है, टॉप डॉक्यूमेंट कौन है,
कौन सा पब्लिक डॉक्यूमेंट ज्यादा से ज्यादा साइटेशन मिला है, जो जो हम लोग को डाटा एनालिसिस करके ग्राफ से हम लोग को मिला है उसका आप हाईलाइट करके फाइंडिंग को लिख सकते हो। वो थोड़ा मेहनत का काम है, ठीक है, चैट जीपीटी से जब करोगे मेहनत का आपको नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वहां पे भी थोड़ा सा क्लियरली इतना नहीं मिलेगा। मैं चैट जीपीटी से करके लिखा हूँ, लेकिन आप अगर रिसर्च पेपर लिख रहे हो अच्छा वाला, मतलब स्कोपस और एससीआई में साइट स्कोर 2.3 पॉइंट में इस तरह का डाल रहे हो, तो आपको अच्छे से वहां पे समरी फाइंडिंग लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि भाई ये जो रिसर्च पेपर होगा 0.5 साइट स्कोर का डालूंगा या 0.3, 4, 2 कुछ भी मैं डाल सकता हूँ, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, रिसर्च को ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि भाई अगर मैं रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहा हूँ कोई 0.2 साइट स्कोर का, 0.5 साइट स्कोर का जर्नल है, तो क्या वो मेरा रिसर्च पेपर एक्सेप्ट होता है। उसके बेसिस पे हम लोग टेस्ट आउट करेंगे, देखते हैं आगे जाके क्या होगा। तो यहाँ पे अगर आप खुद से लिख रहे हो तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि भाई थोड़ा सा दो कि प्रोवाइड ए कॉन्साइज समरी ऑफ की फाइंडिंग्स ऑफ बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस हाईलाइटिंग द सिग्निफिकेंट ट्रेंड एंड पैटर्न, उसके ऊपर पूरा एक एक लाइन का आप लिख सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि डिस्कस हाउ योर फाइंडिंग अलाइन विथ और डिफर फ्रॉम प्रीवियस बिब्लियोमेट्रिक स्टडीज इन द फील्ड, नोटिंग एनी कॉन्सेंसस और डिस्क्रिपेंसी, ठीक है। तो जैसे मेरे एक सब्सक्राइबर है मनिंदर सिंह जो है, तो उनका जो वर्क है वो कर रहे हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट विथ रिस्पेक्ट टू लॉ को इंप्लीमेंट करके वो कर रहे हैं। तो उनका वो जो रिसर्च पेपर 2020 में ऑलरेडी एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, तो उसके साथ आपका जो फाइंडिंग 2024 का आज का हिसाब से जब वो आप मतलब कर रहे हो, 2024 के हिसाब से जब कर रहे हो, तो क्या क्या और 2020 का जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है आज 2024 से आपका जो फाइंडिंग मिल रहा है, तो उसको आप कंपैरिजन थोड़ा सा कर सकते हो। तो अगर उसको आप ऐड करते हो तो बहुत अच्छा खासा आपका मतलब रिसर्च पेपर में वो ज्यादा वैल्यू रहेगा, ठीक है। उसी हिसाब से ये बाकी जो पॉइंट है इसको आप क्या कर सकते हो अपना रिसर्च पेपर में ऐड कर सकते हो, इम्प्लीकेशन ऑफ फाइंडिंग, स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन, थियोरिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, फ्यूचर रिसर्च एंड डायरेक्शन, ये सब आप क्या कर सकते हो कि अपना रिसर्च पेपर में ऐड ऑन कर सकते हो। लेकिन हम लोग को तो चैट जीपीटी यूज करके, ये मेथड वन हो गया, मेथड टू में हम लोग चैट जीपीटी यूज करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या कर सकते हो, तो आपका जो पूरा रिसर्च पेपर लिखे हो ना उस रिसर्च पेपर को आप क्या कर सकते हो कि चैट जीपीटी में एक बार थोड़ा सा उसको इनपुट कर दो, जैसे कि मैं अभी दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये मैं जितना भी है इसको मैं जाके डायरेक्ट इंपोर्ट कर दूंगा, ठीक है, चैट जीपीटी में इनपुट कर दूंगा। कैसे करना है आपको जाके चैट जीपीटी में, सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, कुछ आपको प्रॉम्प्ट यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ इसको एंट्री करो, मतलब उसका डाटाबेस में सिर्फ एंट्री करो भाई ये चीज मैं काम किया हूँ, अभी मुझे आप क्या कर रहे हो कि डिस्कशन लिख के दो, ठीक है। तो जितना चीज है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जो जो मैं लिखा हूँ इंट्रोडक्शन का, इसको मैं डायरेक्ट कॉपी करूंगा, ठीक है। पूरा आप क्या कर सकते हो, पूरा अगर चैट जीपीटी 4 यूज कर, सॉरी चैट जीपीटी ये 3.5 वाला फ्री वाला मैं यूज करता हूँ, क्योंकि चैट जीपीटी 4 लेने के लिए मेरा कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। अगर आपका पास है, अगर आप लेके बैठे हो, आपके पास अच्छा खासा पैसा है, आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, आप चैट जीपीटी कहीं से मतलब उसका अकाउंट का इन्फॉर्मेशन, लॉगिन आईडी किसका मिला है चैट जीपीटी 4, शायद उनका होगा, मुझे पता नहीं, चैट जीपीटी 4 मैं अभी तक यूज नहीं किया हूँ। तो मैं सिर्फ क्या करूंगा कि जितना काम मैं किया हूँ उसको सिर्फ जाके मैं चैट जीपीटी के अंदर क्या करूंगा कि इनपुट कर दूंगा, तो वही प्रोसेस मैं अभी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ एंट्री कर रहा हूँ, कुछ प्रॉम्प्ट नहीं लिख रहा हूँ। एक बार रिसर्च पेपर को आप चैट जीपीटी में डाल दो, उसके बाद जाके हम लोग चेकआउट करेंगे कि भाई ये टेबल को इनपुट करके कुछ फायदा नहीं है, रेफरेंस को भी देके कुछ फायदा नहीं है, तो जो जो मतलब पैराग्राफ के बेसिस में हम लोग लिखे हैं उसी को जाके हम लोग क्या करेंगे कि चैट जीपीटी में एंट्री करेंगे, ठीक है। पूरा रिसर्च पेपर को अगर डाल देते हो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, पूरा कॉपी करके पेस्ट कर दोगे वो मतलब चैट जीपीटी 3.5 इतना इनपुट नहीं ले पाएगा, ठीक है। तो और कितना और बहुत कुछ बाकी है इनपुट देने के लिए, बहुत गर्मी हो गया है भाई, धूप ज्यादा हो रहा है आजकल, क्या करेंगे। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ कि भाई एंट्री कर रहा हूँ, जो जो मैं लिखा हूँ उसका डाटा को मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ। तो पूरा एनालिसिस को आप क्या कर सकते हो कि पूरा जाके चैट जीपीटी में एंट्री कर दो एक बार। एक बार एंट्री करने के बाद हम लोग दिखेंगे भाई,
हम लोग को डिस्कशन कैसे लिखना है, कंक्लूजन किस तरह का लिखना है, वही चीज को हम लोग जाके चैट जीपीटी में पूछेंगे। ठीक है, कोऑथरशिप एनालिसिस। एक मिनट, मेरा एक कॉल आया है, मैं उठा लेता हूँ। हाँ हेलो। हाँ ठीक है जी। हाँ ठीक है, तो इस तरह का आपको इनपुट देना है। पूरा जो रिसर्च पेपर लिखो यहाँ पे 33 पेज का है, 33 पेज का जितना भी आप पैराग्राफ लिख के रखे हो वहां पे इंटरप्रेट करके रखे हो, पूरा चैट जीपीटी को आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। तभी जाके हम लोग को क्या कर बोलेंगे कि भाई, क्योंकि आप एक बार जाके चैट जीपीटी को आप इनपुट नहीं दोगे तभी उसको पता नहीं चलेगा। आजकल क्या हो गया कि चैट जीपीटी मेमोरी वेस्ट हो गया है। पहले भी थोड़ा थोड़ा काम करता था, ऐसा नहीं कि आजकल चैट GPT-4 लेटेस्ट में मेमोरी वेस्ट आ गया है। उस मेमोरी वेस्ट के ऊपर पूरा क्या हो सकता है, आगे जाके उसको क्या क्या पूछ सकते हो, उसमें कुछ इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उससे ले सकते हो, नहीं कि वो पूरा बता देता है। ठीक है, तो चलो ये प्रोसेस को खत्म करते हैं। आप ये टेबल को भी क्या कर सकते हो कि कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। देखते हैं एक टेबल को भी डाल के क्या होता है। ये थोड़ा सा बोरिंग काम है क्योंकि यहाँ पे दिमाग खर्चा नहीं हो रहा है। पता है जहां पे दिमाग खर्चा नहीं होता है तो बोरिंग लगता ही है। एक टेबल को लगाते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। लगभग खत्म होने वाला है, हम लोग डायरेक्ट कमेंट में मतलब इसको जाके पूछ सकते हैं कि भाई हम लोग को डिस्कशन आप लिख के दो, क्योंकि ये पूरा लास्ट पैराग्राफ है। ठीक है, डिस्कशन आ गया, अभी हम लोग पूछ लेंगे कि भाई चैट जीपीटी तुम मेरे लिए डिस्कशन लिख के दे। ठीक है, ये इनपुट हो गया। अभी डिस्कशन के लिए क्या प्रॉम्प्ट में यूज किया हूँ, इसको आप पढ़ सकते हो। राइट ए डिस्कशन फॉर ए रिव्यू पेपर ऑन मैपिंग द, जो आपका रिसर्च टाइटल है, मैपिंग द लैंडस्केप ऑफ बिब्लियोमेट्रिक एग्जामिनेशन ऑफ ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन ऑटो सेक्टर इन 170 वर्ड। तो ये आपको प्रॉम्प्ट के हिसाब से यूज करना पड़ेगा और प्रॉम्प्ट को यूज करके यहाँ पे डाल सकते हो। राइट ए डिस्कशन फॉर राइट ए डिस्कशन बाय अंडरस्टैंडिंग द एबव कुछ नहीं, ठीक है। राइट ए डिस्कशन फॉर ए रिव्यू पेपर ऑन, देखिए इसको आप क्या कर सकते हो कि प्रॉम्प्ट दे सकते हो चैट जीपीटी को, तो यहाँ पे अच्छा खासा आपको लिख के दे देगा। जैसे कि बोला कि इन दिस रिव्यू, मतलब आपका जो रिसर्च पेपर में आपका डिस्कशन में क्या लिख के आ रहा है, चैट जीपीटी क्या बोल रहा है, उसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इन दिस रिव्यू मैपिंग द लैंडस्केप ए बिब्लियोमेट्रिक एग्जामिनेशन ऑफ ग्रीन सप्लाई चेन प्रैक्टिस इन ऑटो सेक्टर, वी कंडक्टेड ए कॉम्प्रेहेंसिव एनालिसिस ऑफ स्कॉलरली पब्लिकेशन टू एक्सप्लोर द इवॉल्विंग रिसर्च लैंडस्केप एट इंटरसेक्शन ऑफ ग्रीन सप्लाई चेन प्रैक्टिसेस एंड द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। ये थोड़ा सा अच्छा खासा इंट्रोडक्शन दे दिया कि भाई हम लोग ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ग्रीन सप्लाई चेन प्रैक्टिस और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के ऊपर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वो दे दिया। आवर फाइंडिंग अंडरस्कोर द ग्रोइंग इंटरेस्ट एंड इंपोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी विद इन द ऑटो सेक्टर रिफ्लेक्ट द इंक्रीजिंग पब्लिकेशन ट्रेंड अबाउट द पास्ट 2 डिकेड। क्योंकि 2001 से लेकर 2024 लग रहा है, तो 2 डिकेड का वो लिख दिया है। तो एनालिसिस रिवील्स की थीम्स इन्फ्लुएंस ऑथर टॉप ऑर्गेनाइजेशन लीडिंग कंट्रीज ड्राइविंग रिसर्च इन दिस फील्ड। तो ये क्लियरली मेंशन कर दिया है, तो आप क्या कर सकते हो कि इसको जाके कॉपी करो। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके ऑलरेडी मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका हूँ, ठीक है। आप इस तरह का आप चेकआउट कर सकते हो कि डिस्कशन किस तरह का लिखना है। ज्यादा टाइम लगेगा, 5 मिनट से आपका काम खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर और जो पर्टिकुलर चीज आपको लिखना है कि भाई की फाइंडिंग आपको लिखना है कि भाई
कौन सा ऑथर कौन मतलब टॉप क्या है, कौन सा कंट्री टॉप कर रहा है रिसर्च पेपर इस फील्ड का अंदर, वो वाला इंफॉर्मेशन आप क्या कर सकते हो कि लिख सकते हो, ठीक है। उसी हिसाब से कंक्लूजन को भी लिख सकते हो। तो सिंपल यहाँ पे जो मैं प्रॉम्प्ट दिया हूँ आप इसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो अपने रिसर्च वर्क के लिए। राइट ए कंक्लूजन फॉर ए रिव्यू पेपर ऑन मैपिंग द लैंडस्केप ऑफ बिब्लियोमेट्रिक एग्जामिनेशन ग्रीन सप्लाई चेन प्रैक्टिसेस इन ऑटो सेक्टर इन 171। तो यहाँ पे इसको मैं ये जो प्रॉम्प्ट है इस प्रॉम्प्ट को सेम चीज को आप दे सकते हो और आपका कंक्लूजन भी रेडी करके दे देगा, ठीक है। तो इसको भी पढ़ सकते हो, इन कंक्लूजन ऑफ अ रिसर्च रिव्यू पेपर, उसका रिव्यू पेपर का नाम दे दिया, ऑफर्स ए कॉम्प्रेहेंसिव ओवरव्यू ऑफ द रिसर्च लैंडस्केप सराउंडिंग सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव विद इन आवर ऑटोमेटिक सप्लाई चेन। तो डिस्कशन का पॉइंट और जो कंक्लूजन का पॉइंट सेम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा देखो सेम आ गया है। अगर यह वाला पढ़ोगे भाई सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव विद इन द ऑटोमेटिव सप्लाई चेन, तो यहाँ पे भी इस तरह का कुछ लिखा था सस्टेनेबिलिटी का वर्ड को यूज करके। हाँ यहाँ पे देखो सस्टेनेबिलिटी विद इन द ऑटो सेक्टर, ठीक है। तो थोड़ा सा कंपैरिजन करो, सेम चीज रहना नहीं चाहिए डिस्कशन और कंक्लूजन में। और कंक्लूजन में यहाँ पे देख सकते हो थ्रू आई बिबलियोमेट्रिक एनालिसिस व्हाई आइडेंटिफाई की ट्रेंड्स इन्फ्लुएंशियल। तो ये ओवरऑल आपको आइडिया दे दिया है कि भाई क्या क्या कंक्लूजन में लिखना है, तो आपका रिसर्च एरिया के हिसाब से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। या भी मैं सप्लाई चेन के ऊपर पढ़ के आपको बोरिंग नहीं करना चाहता हूँ। सेम चीज आपको लिमिटेशन के लिए लिखना है, क्या कोड देना पड़ेगा। राइट ए लिमिटेशन फॉर ए रिव्यू पेपर, लिमिटेशन फॉर ए रिव्यू पेपर का नाम दो ऑटो से इन 130 वर्ड। तो आपको जितना वर्ड का चाहिए उतना वर्ड का वो लिख के दे देगा। फ्यूचर वर्क के लिए भी आप क्या कर सकते हो कि सेम चीज आप लिख सकते हो प्रॉम्प्ट, राइट ए फ्यूचर वर्क फॉर रिव्यू पेपर ऑन द रिसर्च टाइटल इन 130 वर्ड, वो आपको लिख के दे देगा। इस तरह का आप क्या कर सकते हो कि फ्यूचर वर्क को जो चैट जीपीटी से आ रहा है उसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, उसके लिए कुछ खुद से एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, वो लगभग ठीक ठाक लिख के दे देगा। क्विल बॉट यूज करो वो और थोड़ा सा उसका लैंग्वेज को चेंज करो, ठीक है, क्योंकि आगे जाके एआई डिटेक्शन होगा तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। इस तरह का आप फ्यूचर वर्क लिख सकते हो। और ये चीज आपको रिसर्च पेपर लिखना पड़ेगा, ऑथर कंट्रीब्यूशन क्या है। तो पर्टिकुलरली जो यहाँ पे मैं सिंपल वाला लिख दिया हूँ कि भाई कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, डाटा कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, राइटिंग रिव्यू एंड एडिटिंग वर कैरिड आउट बाय ऑथर्स टू प्रोड्यूस द रिव्यू पेपर। तो आप जो भी फर्स्ट ऑथर है वो को क्या काम किया है उसको लिख सकते हो, सेकंड ऑथर है जो है वो क्या क्या काम किया है उसको भी लिख सकते हो। वो वाला आइडिया आप जो डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है वहाँ पे ऑथर कंट्रीब्यूशन का अगर देखोगे तो आपको आइडिया आ जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट पेपर का ऑथर कंट्रीब्यूशन को भी आप फॉलो करके खुद का लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। फंडिंग के लिए इस तरह का आप लिख सकते हो, डायरेक्ट लिखा है, जो लिखा है उसको आप यूज कर सकते हो। The research received no specific grant from any funding agency, commercial, non for profit sector. तो आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे रिसर्च पेपर मेरा यूट्यूब चैनल में पूरा लाइव दिखा रहा हूँ किस तरह का लिखा रहा है। कोई 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 यहाँ पे पैसा कोई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ ग्रांट फ्रांट नहीं मिल रहा है। अगर आपको ग्रांट मिल रहा है, अपना कॉलेज से पैसा मिल रहा है रिसर्च पेपर लिखने के लिए, तो वहां पे आप मेंशन कर सकते हो। तो मुझे तो आज तक, मैं इतना रिसर्च पेपर लिख के भी मुझे भी आज तक क्या है कि कोई भी ग्रांट नहीं मिला है, ठीक है। अगर आपको ग्रांट मिलता है, पैसा मिलता है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को आपको पूरा लिखना पड़ेगा, इसको कंपलसरी है, एक लाइन में और एक सिंगल स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। तो ऑथर्स डिक्लेयर्स नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रिगार्डिंग द पब्लिकेशन ऑफ दिस रिव्यू पेपर, ठीक है। तो इसको आप लिखोगे, उसके बाद हम लोग रेफरेंस लिखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे कि भाई रेफरेंस किस तरह का लिखते हैं, उसी के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। तो रेफरेंस के ऊपर हम फोकस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए वही चीजें मैं बताया था कि भाई डिस्कशन कैसे लिखना है, कंक्लूजन किस तरह का लिखना है, लिमिटेशन, उसके बाद फ्यूचर वर्क किस तरह का लिखना है, लिमिटेशन फ्यूचर वर्क किस तरह का लिखना है आपको मैं बता दिया हूँ। आप उसको इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो कि खुद से उसको आप लिख सकते हो अपना लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये वाला जो आएगा इसको मैं यहाँ पे मेरा जो प्लेलिस्ट है प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, आप जाके पूरा देख सकते हो कि कितना पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया हूँ। मुझे लग रहा है इसको देखने के बाद जो भी देखेगा उसको मिनिमम आइडिया तो आ जाएगा, मतलब दिमाग में आ जाएगा कि भाई रिसर्च पेपर किस तरह का लिखते हैं, एक बिब्लियोमेट्रिक रिव्यू एनालिसिस किस तरह का अपना रिसर्च एरिया में लिख सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए ये इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।